क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि यार ये रैंकर्स ऐसा क्या लग कर जाते हैं जिससे इनको रैंक आ जाती है। सरप्राइज की बात तो ये है कि रैंकर्स इतना स्ट्रगल भी नहीं करते जितना एक ऑर्डिनरी बच्चा स्ट्रगल करता है एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। भाई इनका राज क्या है, ये लोग को कैसे रैंक आ रही है बिना इतना स्ट्रगल किए। सो गाइस, बीइंग एन ऑल इंडिया रैंकर इन ऑल द 3 सीरीज ऑफ सीएस, आई नो द सीक्रेट एंड मैं वही सीक्रेट आज के वीडियो में रिवील करने वाली हूँ। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू बी अ रैंकर इन योर अपकमिंग एग्जाम्स तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ ओपन अप होके। एक रैंकर के दिमाग में क्या चलता है, एक रैंकर की क्या स्टडी स्ट्रैटेजी होती है और एक रैंकर की क्या हैबिट होती है। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चार ऐसे सुपर सीक्रेटिव स्टडी हैबिट्स ऑफ एन ऑल इंडिया रैंकर, जो अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपको भी आसानी से रैंक आ जाएगी। बीइंग अ रैंकर इज एक्चुअली नॉट दैट टफ, इट्स जस्ट दैट यू शुड नो द बेसिक स्टडी हैबिट्स जो हम आज जानेंगे। सो यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार गाइस देखो, मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, अगर आपको किसी की तरह बनना है, किसी इंसान की तरह बनना है, तो सबसे पहले तो उसका माइंडसेट और उसका हैबिट, ये दोनों चीजें ऑब्जर्व करो, ठीक है, और ट्राई करो कि वो आप खुद में इंकल्केट कर पाओ। बिकॉज अगर आप वो समझ जाते हो कि भाई उसका माइंडसेट क्या, उसका हैबिट क्या, तो आप भी वैसे इंसान बन सकते हो। सो वही हम आज करने वाले हैं, हम रैंकर्स की चार ऐसे स्टडी हैबिट्स देखने वाले हैं जो आपको आपके डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है। सबसे पहली स्टडी हैबिट जो सारे रैंकर्स करते हैं वो है रिविजन। नाउ आई एम वेरी मच श्योर 90% बच्चे जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप लोग डेली बेसिस पर रिविजन नहीं करते हो। ये मुझे पता है क्योंकि मैं डेली दिन रात मेरी बच्चों से बात होती रहती है एंड मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका डेली का स्केड्यूल क्या होता है। वो लोग बोलते हैं कि यार हम लेक्चर्स देख के ही थक जाते हैं, हमारे लेक्चर्स ही खत्म नहीं होते तो रिविजन कहाँ से करें। बट एक रैंकर ये चीज बहुत अच्छे से जानता है कि वो जो भी पढ़ रहा है उसको दिसंबर तक याद रखना है, दिसंबर में अटेम्प्ट है, वो कैसे याद रहेगा। भले तुम आज 10 नई चीज पढ़ लो, 10 घंटे लेक्चर्स देख लो, बट अगर उसको रिवाइज ही नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। तो भले आप एक लेक्चर कम देखो बट रिविजन इज द की। एंड डेली मेरे को बताओ आज जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करने में कितना टाइम जाता है, आधा घंटा मैक्सिमम। तो ये रैंकर का माइंडसेट क्लियर है कि मैं डेली आधा घंटा अगर एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ तो मुझे रैंक आएगी, रैंक से अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जॉब से अच्छे पैसे आएंगे। और ये सब क्यों हो रहा है, डेली आधे घंटे के रिविजन की वजह से। तो वो रिविजन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता और एक रैंकर रिविजन की बहुत वैल्यू करता है। सो You have to revise on a daily basis, guys. Now coming to our second study habit of an all India ranker, that is noting. आप हमेशा देखोगे कि एक जो रैंकर होता है ना वो कंप्लीटली बस नोट से लिखता रहता है, नोट से बनाता रहता है, चाहे लेक्चर चल रहे हो चाहे ना चल रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो आपको क्या लगता है, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसको क्या लगता है कि हाँ जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो मैं समझ चुका हूँ, अब मैं घर जाऊंगा समझ जाऊंगा, अब मैं लिख लूंगा एग्जाम में। बट होता क्या है, आप उस मोमेंट पे समझ गए हो बट जैसे एक दिन बीतता है, दो दिन बीतता है, आप भूल जाते हो, आपको याद ही नहीं रहता कि यार वो समझाया क्या था सर ने। बट वही जो रैंकर होता है वो जब लेक्चर देख रहा होता है, जब उसको पता है कि हाँ मुझे समझ गया, तो वो नोट डाउन कर लेता है अपने ही वर्ड्स में कि उसको क्या समझा है, उसने किस वे में वो कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट किया, वो जल्दी से लिख लेता है ताकि जब कभी उसको रिवाइज करना हो वो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में ब्लॉक हो जाए, मतलब परमानेंट ब्लॉक कर दिया थ्रू नोटिंग। तो आप एक रैंकर को देखोगे कि उसको कुछ भी पूछो उसको याद रहता है, इट इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस नोटिंग। तो जब भी आप लेक्चर में पढ़ रहे हो, जब भी आपको कोई चीज अपने हिसाब से समझती है कि सर क्या बोल रहे हैं, जस्ट अपने लैंग्वेज में चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में नोट डाउन कर लो शॉर्ट में, ताकि फ्यूचर में आपको वो रेफरेंस वो एग्जाम्पल याद रहे कोई कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए। थर्ड स्टडी हैबिट इज SPP, दैट इज सॉल्विंग पास्ट पेपर्स। कितने बच्चे पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यार आधे बच्चों की तो हिम्मत ही नहीं होगी कि वो पास्ट पेपर्स देखे भी, क्योंकि अभी तो पोर्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ है तो कौन देखेगा। बट एक रैंकर देखता है यार, क्योंकि वो पास्ट पेपर्स इसलिए नहीं देख रहा कि उसको पढ़ाई करनी है, वो पास्ट पेपर इसलिए देख रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है और वो रिसर्च करता रहता है कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ आखिर वो किस तरीके से पूछने वाले हैं इंस्टीट्यूट, किस डायरेक्शन में मुझे पढ़ना है। डायरेक्शन इज वेरी नेसेसरी, आप बस कहीं पे भी भागते जाओ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे नहीं अगर आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है। तो पास्ट पेपर्स एक डायरेक्शन देता है कि हाँ भाई तेरे को इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, तेरे को इस तरीके से पढ़ना है, इंस्टीट्यूट इस तरीके से आंसर्स पूछती है, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स वीकेंड्स पे ट्राई करो कि आप लोग पास्ट पेपर्स देखो, ओरली सॉल्व करो, बट
इवॉल्वेट करो कि इंस्टीट्यूट पेपर्स कैसे पूछता है। लास्ट हैबिट बट नॉट द लीस्ट इज रॉ रीडिंग। अब जैसे आपको क्लासेस से नोट्स मिलती है, आप क्लासेस के नोट्स पढ़ो, बट एक रैंकर क्या सोचता है कि ये क्लासेस का नोट्स कहाँ से बना है, मॉड्यूल में मॉड्यूल से पढ़ूंगा। उसको फर्स्ट बेसिस जो होता है, ओरिजिन जो होता है, उससे पढ़ने में बहुत मजा आती है। नाउ ये उसकी क्यूरियोसिटी है कि भाई मुझे मॉड्यूल से पढ़ना है। एंड सारे रैंकर्स एक ना एक बार तो मॉड्यूल रीडिंग किए ही होंगे, बिकॉज वही तो इम्पोर्टेंट है, उसी से तो आपको इंस्टीट्यूट पूछने वाली है। मॉड्यूल रीडिंग के बहुत फायदे होते हैं, आपको लैंग्वेज समझ में आती है सबसे पहले तो, कि लॉ की लैंग्वेज क्या होती है। और आप जब डेली मॉड्यूल को रीड करते हो, आपकी सबकॉन्शियस लैंग्वेज भी मॉड्यूल जैसी ही हो जाएगी, लॉ की लैंग्वेज ही हो जाएगी। तो जब आंसर भी लिखोगे तो लॉ लैंग्वेज ही निकलेगी। इसलिए रैंकर्स के जो पेपर होते हैं उनको एफर्टलेसली, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉड्यूल रीडिंग। मॉड्यूल रीडिंग के बहुत पावर है यार। मतलब आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी मॉड्यूल मंगवाई तक नहीं है, पढ़ाई तो दूर की बात, बट रैंकर सबसे पहले जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है, आओ उस चीज का मॉड्यूल खत्म करो। डेली बेसिस पे वो लोग मॉड्यूल रीड करते हैं। सो आर यू गाइज रीडिंग मॉड्यूल, येस और नो? जस्ट आंसर इट टू योर सेल्फ एंड यू गेट द आंसर कि भाई आप रैंकर बन सकते हो कि नहीं। सो गाइज, दिस वॉज एन आई ओपनर वीडियो जिसमें मैंने क्लियरली ओपन अप के बताया है भाई आपको कि ये हैबिट्स है। अब आपको ये सारी चीजें शायद पता भी हो, बट क्या आप लोग फॉलो करते हो कि नहीं, ये आप ही लोगों को पता है। एंड अगर आप रैंकर के कैटेगरी में आना चाहते हो तो ये चारों चीजें आपको डेडिकेटेडली, होल हार्टेडली फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आपको भी रैंक आएगा गाइस। इफ यू वॉन्ट टू बी डिफरेंट देन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड दिस इज वॉट रैंकर्स डू डिफरेंट। इसके अलावा और वो लोग कुछ अलग नहीं करते हैं। आप कोई भी रैंकर को जाके वीडियो दिखाओ, वो बोलेंगे हाँ हमने यही किया था। दिस इज द सीक्रेट गाइस। सो अब आप ये एक्सक्यूज मत देना कि हमें नहीं पता कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है मैंने। और भी कुछ डाउट आपके माइंड में रह गया हो तो मैं 1-on-1 मेंटोरशिप भी ले रही हूँ, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ। वो भी काफी रीजनेबल प्राइसेस पे चल रहा है, क्योंकि अभी मैं काफी हैवी डिस्काउंट पर 1-on-1 मेंटोरशिप ले रही हूँ, तो आप मेरे से वो भी ले सकते हैं। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइज। बाय, बेस्ट ऑफ लक।